जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। मोतिहारी नगर निगम चुनाव को लेकर मेयर और उपमेयर पद पर दिग्गजों की दावेदारी, चुनाव बन गया है दिलचस्प। मोतिहारी नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन पूर्वी चंपारण जिले में सरगर्मी अपनी चरम पर पहुंच गया है। इस बार मोतिहारी में पहली बार हो रहे मेयर और उपमेयर के चुनाव को लेकर पूरे जिला वासियों में गजब का उमंग और उत्साह देखा जा रहा है। जहां राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, साथ ही कदावर नेताओं ने भी अपने अपने समर्थित उम्मीदवार पर प्रतिष्ठा को दाव पर लगा दिया है, जिसके कारण इस बार का मेयर और उपमेयर का चुनाव दिलचस्प हो गया है। इस चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल के 6 दिन बीत गए हैं। इस दौरान अब तक 14 लोगों ने मेयर पद के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल किया है, वहीं 9 प्रत्याशियों ने उपमेयर के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। हालांकि अभी भी नामांकन के शेष बचे 2 दिनों में कई और दिग्गज उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल मेयर पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वाले कदावर उम्मीदवारों में भाजपा विधायक पवन जायसवाल और शिवहर सांसद समर्थित माने जाने वाली उम्मीदवार प्रीति गुप्ता, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद राधा मोहन सिंह एवं विधायक प्रमोद कुमार के द्वारा घोषित उम्मीदवार भाजपा जिलाध्यक्ष प्रकाश अस्थाना, जदयू के वरिष्ठ नेता विनय सिंह, राजद के वरीय नेता मणिभूषण श्रीवास्तव, कदावर नेता अशोक यादव, महिलाओं में विशेष पकड़ रखने वाली ममता वर्मा, समाज सेवी शिव कुमार सहित 14 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। वहीं उपमेयर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार डॉक्टर लाला बाबू प्रसाद, संजय कुमार शुक्ला, साजिद हुसैन, रवि रंजन सहित 9 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल कर अपनी दावेदारी पेश कर दी है, जबकि जदयू के वरिष्ठ नेता अमरेंद्र सिंह ए अजय कुमार आजाद के भी उपमेयर पद पर आज नामांकन पत्र दाखिल करने की बात कही जा रही है। अगर ये दोनों उपमेयर पद पर दावेदारी के लिए मैदान में उतर जाते हैं तो भाजपा के लिए मेयर और उपमेयर पद पर कब्जा करने की बात कठिन साबित होगी। वहीं दूसरी ओर मोतिहारी शहर के कुल 46 वार्ड के पार्षद पद के लिए 251 उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। उन सभी वार्डों में लड़ाई दिलचस्प हो गई है। वार्ड नंबर 36 है ना, शहर की जो स्थिति है नरकीय हो गई है, उससे उबारने के लिए हम लोग जो नया संकल्प के साथ फिर से आने वाले हैं। 15 साल रहे हैं, 5 साल बीच में गैप रहा है, हम लोगों ने देखा है कि बड़ी शहर बदबूदार शहर हो गया था, इसको फिर से खुशबूदार बनाने का संकल्प लेके आज हम लोग नामांकन। पहले कितने नंबर वार्ड से आप पार्षद रह चुके हैं? पहला नंबर था 30, उससे पहले था 24। अब कितने नंबर वार्ड से आप? अब हो गया 36। आपका शुभ नाम क्या है? नीरज कुमार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।